ना इस्तेमाल करते हैं उनका बाल आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है वो मोटा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यह है कि बाल कुदरती तौर पर थिक होना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर तहें चढ़ जाती हैं। फिर जो क्लाइंट आपके पास मेहंदी लगा के आता है और वो चाहता है कि मैं अपने बालों का कलर चेंज करूँ, तो वो चेंज आप नहीं कर सकते। इवन के समटाइम्स आप उसको कलर लगाते हैं, कलर का रिजल्ट नहीं आता, आप ब्लीच करते हैं, बहुत मामूली सब है। चूंकि बाल के ऊपर ही मेहंदी की तहें बैठी हुई होती हैं, वो जब तक निकलती नहीं है, वो खत्म नहीं होती, बालों का क्यूटिकल ओपन नहीं होता, प्रोडक्ट अंदर नहीं जाती, उस वक्त तक बालों का के अंदर प्रोसेस नहीं हो सकता। यही वजह है जब आपके पास मेहंदी लगा बाल आता है, बहुत ज्यादा मेहंदी लगी हुई है, मेहंदी में भी किस्में हैं, काली मेहंदी, पत्थर वाली मेहंदी और पता नहीं कौन कौन सी मेहंदी, तो वो मेहंदियां जो है ये बालों के लिए नुकसानदेह, इस तरह से नुकसानदेह है कि अगर आपका क्लाइंट कोई केमिकल प्रोसेस करवाने के लिए आता है, चाहे वो परमिंग करवाने आए, स्ट्रेटनिंग करवाने आए, बाल सीधे करवाने आए, या डाई करवाने आए, या स्ट्रीकिंग करवाने आए, आप अपना मतलूबा रिजल्ट नहीं ले सकते। बाजूकत तो नहीं आता रिजल्ट, बाजूकत अगर आ भी जाता है तो वो रिजल्ट नहीं आता जो आप चाहते हैं। तो उसकी रीजन, सबसे बड़ी रीजन यही है कि वो जो प्रोडक्ट है वो बाल के अंदर नहीं जा पाती और जो है वो प्रोसेस नहीं होता। तो ये नेचुरल डाइज मैंने आपको बता दिए, ये इसमें आती है, सबसे कॉमन जो है वो हिना है और बहुत पुराने जमाने से ये इस्तेमाल होती भी आ रही है। अब हम आते हैं मेटालिक डाइज के ऊपर। मेटालिक डाइज में जो है वो, जैसे हमारे पास अगर मैं पाकिस्तान के अंदर देखूं तो सैमसोल है, पॉलीकलर है, बेजन है, लाइक इस तरह के डाइज होते हैं जिनके अंदर मेटल्स इस्तेमाल हुई होती हैं। ये डाइज भी जो है इनको मेटालिक डाइज कहते हैं। ये डाइज भी बाल का, अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये बाल के ऊपर तह बिठाती है, ठीक है, एक तह, दूसरी तह, तीसरी तह, चौथी तह, जितनी दफा आपका कर क्लाइंट एप्लीकेशन करता जाएगा वो तह बढ़ती जाएगी, बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जो क्लाइंट आपके मेटालिक डाइज इस्तेमाल करते हैं उनके, एक तो बालों का कलर आपको कैसे पता चले, एक तो बहुत काला स्याह, जेट ब्लैक कलर होगा उनका, दूसरा उनका बाल मोटा होगा। अच्छा, मेटालिक डाइज जो क्लाइंट इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर तो आप कोई भी प्रोसेस करने वाले रिस्क लें ही ना। मेहंदी वाला बाल तो फिर आपको कुछ कोई आगे पीछे का रिजल्ट दे देगा, मेटालिक डाई वाला बाल नहीं आपको रिजल्ट देगा। उसकी रीजन ये है कि उसके अंदर मेटल्स इस्तेमाल हुए होते हैं और ऐसे मेटल्स इस्तेमाल हुए होते हैं कि जो के बालों के को उन्होंने टाइटली जो है उसको बंद किया हुआ होता है और उसकी क्यूटिकल्स को कवर किया हुआ होता है और प्रोडक्ट अंदर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से मेटालिक डाइज पे वाले बालों पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। और कैसे आपको पता चले कि आपने क्लाइंट ने, बाज का क्लाइंट नहीं सच बताता कि उसने मेटालिक डाइज इस्तेमाल किया है या नहीं, तो आप स्ट्रैंड टेस्ट लें। आप जब क्लाइंट आता है उसके बालों की एक लट के ऊपर ही, अगर वो ब्लीच स्ट्रीकिंग करवाना चाहता है उसके ऊपर ब्लीच लगा के उसको फॉइल के अंदर रैप करके रख लें, 40 मिनट के बाद खोल के देखें, आपको पता चल जाएगा कि उसका ये कलर कितना लिफ्ट हो सकता है। ये पर्म के लिए भी आप यही काम करें और स्ट्रेटनिंग के लिए भी यही काम करें, क्योंकि ये इसको, अगर आप मेटालिक डाइज, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि अगर किसी ने ऐसा मेटालिक डाइज इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें कॉपर है, तो ये होता है कि या तो आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप 2 दिन ब्लीच लगा के रखें कलर नहीं हिलेगा, या फिर ये होगा कि बाल जो है वो एक लेवल तक लिफ्ट होगा, तेज कॉपर रंग या रेड रंग आ जाएगा और उससे आगे नहीं जाएगा, या फिर ये होगा कि बाल हीट अप होगा और हीट अप होके बाल टूट जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज होती है कि अगर बाल आपने कलर लगा दिया या ब्लीच लगा दी और बाल वहीं पे जड़ के पास से टूट गया, गर्म होके हीट अप होके टूट गया, तो फिर वो बाल वापस लग नहीं सकता। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी आपके पास क्लाइंट आए आप स्ट्रैंड टेस्ट कर लें और उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि आपने क्या काम करना है, और क्लाइंट को भी क्लियरली बता दें कि ये, अगर हम पहले स्ट्रैंड टेस्ट करेंगे, अगर स्ट्रैंड टेस्ट आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो हम ये प्रोसेस इस हद तक कर सकेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिंथेटिक डाइज। सिंथेटिक डाइज वो है जो कि हम नॉर्मली कॉमन, आप जो एक बड़े बड़े शेड कार्ड में देखते हैं जो बाहर से कंपनीज जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और डाई को मिक्स करके इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम सिंथेटिक डाइज कहते हैं और उनको हम ऑक्सीडेटिव डाइज भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव डाइज, ये डाइज जो है ये किस तरीके से काम करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये बालों का, अगर ये बाल है, ये इसके क्यूटिकल है, तो यूं होगा कि ये बालों के क्यूटिकल को खोलेगा, यूं खोला, कलर अंदर गया, पिगमेंट, और फिर बाल के कॉर्टेक्स में इसने जो बालों का मेलानिन है उसके साथ मिलके, तो इसने अपना जो भी कलर का प्रोसेस है उसने करना है। तो ये सिंथेटिक डाइज इनको इसलिए कहा जाता है कि ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और जिनके जो हम जैसे कहते हैं, बोर्ड यहां से नजर आ रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड
प्लस अमोनिया, इससे मिलके बना हुआ होता है। अमोनिया कलर के अंदर होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड डेवलपर के अंदर होता है। जब हम मिक्स करते हैं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और वो फिर जो आपको जो आपका प्रोसेस है वो बालों के क्यूटिकल के अंदर लिफ्टिंग का प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस है वो होता है और इस तरीके से आपका बालों पे कलर आ जाता है। तो ये तीन टाइप ऑफ कलर, नेचुरल डाइज, मेटालिक डाइज, ऑक्सीडेटिव डाइज। अच्छा, जो लोग इसको मजीद डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, मैं आप लोगों को, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, वो वीडियो आप लोग देखें जिसमें काफी डिटेल के साथ मैंने इन डाइज को के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अपने अगर नोट्स बनाना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो आप इसको मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, आप वहां से लेक्चर्स नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ। अच्छा, एक रह गया टेम्पररी कलर्स या नॉन ऑक्सीडेटिव कलर्स। जो टेम्पररी कलर्स होते हैं, ये नॉन ऑक्सीडेटिव कलर्स होते हैं। ये जैसे आपने बालों के ऊपर लगाया, थोड़ी देर के लगाया, सर धोया तो वो निकल जाते हैं, उनको हम टेम्पररी कलर्स कहते हैं। वो कलर्स मस्कारा की शक्ल में भी आते हैं, मूस की फॉर्म में, स्प्रे की फॉर्म में, चौक की फॉर्म में आते हैं। यानी आपने उसको अभी फैशन के तौर पर लगाया और जब आपने सर वॉश किया तो वो कलर आपका अपने आपको आपको जो कलर है वो उतर जाता है, तो उनको हम टेम्पररी कलर्स कहते हैं या नॉन ऑक्सीडेटिव कलर्स कहते हैं। और ये आज आज का जो लेक्चर है ये डे वन के हिसाब से मैंने जो जितने टॉपिक्स है वो सारे कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल है इन टॉपिक्स के हवाले से, आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में कर सकते हैं। अगर आपको इसको इनको मजीद डिटेल से पढ़ना समझना है तो आपको मैं अपने जो वीडियो का लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग वो वीडियोज देख के अपने इसको मजीद, अगर जो लोग डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं वो उसको पढ़ सकते हैं। तो आज का लेक्चर मैं खत्म करती हूँ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, मजीद हम आगे पढ़ेंगे। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अगले लेक्चर को समझने के लिए, तो इसको आज अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा ताकि कल का लेक्चर आपको समझ आ सके। तो कल तक के लिए इजाजत, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको रमजान की तमाम बरकतें, रहमतें आप पे नाजिल करे और आपकी रोजी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारे। मेरा आधा रोजा गुजर चुका है और आधा बाकी है, तो इंशाल्लाह आगे इफ्तारी की तैयारी के टाइम है, तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।